वो सब एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैटमैन फोटो एडिटिंग। तो ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने कल ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था एंड इसी का मैं ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है जिससे गाइस आप भी एकदम परफेक्टली इस टाइप की एडिटिंग सीख पाओ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा गाइस, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, इस टाइप का पोज देते हुए फोटो को क्लिक कराना है। तो फोटो गाइज आप स्टूल पर बैठकर भी क्लिक करा सकते हो। तो स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिख रहा है, आपको सेम एज इट इज़ ऐसा ही पोज देते हुए ब्लैक कपड़ों में क्लिक कराना है, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मेरा खुद का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड स्क्रीन पर नाम मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाके सिंपली आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में पिक्सी प्रो एप्लीकेशन ओपन करना है। आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गेट अ पिक्चर पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थर्ड नंबर पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एल्बम जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी गाइस। अब आपको गाइस आपको कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें बैकग्राउंड से गाइस आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको कोई भी हाई क्वालिटी का बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपको मैक्सिमम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हाई क्वालिटी का ये है, ओपन हो जाएगा आपके बैकग्राउंड ऐप में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको क्रॉप वाला ऑप्शन पर आना है। आपको यहाँ से 6:7 इंस्टाग्राम साइज का इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है, 6:7, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पिक्चर पर आना है। इंसर्ट पिक्चर पर आने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड पर अटैच हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बैकग्राउंड यहाँ से हमारा आ चुका है। अब गाइस आपको करना क्या, अपना फोटो ऐड करना है, तो उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको जाएंगे इफेक्ट वाला ऑप्शन पर। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट पिक्चर पर। इंसर्ट पिक्चर पर जाने के बाद ये जो भी मैं PNGs यूज़ करूँगा उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको गाइस आपको अपने बैकग्राउंड पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको कुछ भी डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेचुरेशन जो है इसकी फुल माइनस कर देनी है, ठीक है। सेचुरेशन को फुल माइनस करने के बाद ये भी ब्लैक हो चुका है, तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद ये PNG हमने सेलेक्ट की थी, इसको गाइस आपको सिंपली दोबारा सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर का जो पार्ट है वो गाइस सिंपल आपको क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप करने के बाद डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको इसको बिल्कुल अटैच करना है इससे ही। देन आपको सारा इरेज कर देना है, ठीक है। इरेज करने के बाद आपको सिंपली अपने फोटो पर इसको ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो इससे होगा क्या गाइस, कलर वापस आ जाएंगे हमारे फोटो के जो हमने सेचुरेशन माइनस की थी। तो देख सकते हो कलर वापस आ चुके हैं। आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करना है। आप तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ गाइस। पहले कलर जो थे हमारे ब्लैक थे एंड कलर हमने वापस लिया है इस फोटो में, ठीक है। तो उसके बाद गाइज आपको करना क्या, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइज आपको इंसर्ट पिक्चर पे चले जाना है। उसके बाद गाइज आपको ये वाली PNG जो है वो सिलेक्ट करना है, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस साइड गाइज आपको यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको थ्री डॉट पे जाना है। उसके बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाके इसकी सिचुएशन फुल माइनस कर देनी है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही आपको इसकी सिचुएशन फुल माइनस कर देनी है। उसके बाद फिर गाइज आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइज आपको इंसर्ट पिक्चर पे जाना है। देन आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे जाके इसकी भी सिचुएशन गाइज आपको फुल माइनस कर देनी है। तो ये करने के बाद गाइज आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर सबसे ऊपर मिलेगा पेंट का ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पे आना है। उसके बाद फोटो को जूम करना है, यहाँ से इसका कलर पिक करना है। तो हम पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। कलर पिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इरेजर टूल सेलेक्ट करना है। देन आपको ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देना है, जिससे ये 3D लुक में आ जाए। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद इंसर्ट पिक्चर पे आना है। देन आपको ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्रॉप करना है। देन आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी सिचुएशन को भी गाइज आपको फुल माइनस कर देना है, ठीक है। फुल माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। देन ओपेसिटी को कम करके आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे जाके इसकी भी सिचुएशन को फुल माइनस कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद गाइज देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड जो है एकदम परफेक्टली क्रिएट हो चुका है।
अब हम गाइस यहाँ से अपनी फोटो एडिट करेंगे, तो उसके लिए गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद गाइस आपको करना है क्या है, इंसर्ट पिक्चर पे आना है। इंसर्ट पिक्चर पे आने के बाद आपको अपने फोटो का कटआउट कर लेना है सिंपली। तो फोटो का कटआउट करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये देख सकते हो गाइस, ये फोटो जो है मैंने कटआउट कर रखा है। आपको अपना फेस ही रहने देना है, एंड जो आप ब्लैक कपड़े पहने हो ना उसको गाइस आपको थोड़ा सा पार्ट लेना है। एंड हेयर्स को गाइस आप कैसे भी इरेज कर सकते हो, हेयर्स से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं हेयर्स को यहाँ से सिंपली क्रॉप कर लेता हूँ। तो क्रॉप करने के बाद सिंपली डन वाला ऑप्शन पर गाइस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको गाइस आपको हेड को आपको सिंपली इसको अटैच करना होगा, एकदम परफेक्टली इसको एडजस्ट करना है। देन आपको ओपेसिटी को फुल करना है। फिर गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से इस टाइप से इरेज करना है जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको इरेज करना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से डन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर फिर से जाना है। फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पर जाना है। उसके बाद आप जो लॉकेट पहने हो उसको गाइस आपको सिंपली यहाँ से क्रॉप करना होगा। तो गाइस आपको लॉकेट जरूर पहनना है जिससे बैटमैन लुक आए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपेसिटी को कम करके आपको अपने फोटो पर इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद सारा इरेज करना है। देन आपको इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आना है। देन एक्सपोजर कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देना है जिससे बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाए, ठीक है गाइस। ये सारा करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद बैटमैन का हेड होगा उसको हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ से डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको अपने हेयर्स के ऊपर इसको एडजस्ट करना है। तो गाइस मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, आपके जो हेयर्स हैं ऊपर से गाइस आपको क्रॉप जरूर करना है, तभी ये परफेक्टली एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइस। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे चले जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद आपको ये वाला पीएनजी मिलेगा, तो इसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है लास्ट में। ये वाला पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सिंपली इसको अपनी आईज पर एडजस्ट करना है। उसके बाद डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आना है, सबसे ऊपर मिलेगा पेंट का ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पे जाना है। देन आपको इसका कलर जो है वाइट रख लेना गाइस, तो आपको ब्राइटनेस फुल रखना है। देन आपको यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली ऐसा ही आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद इरेजर टू सिलेक्ट करना है, इसकी ओपेसिटी को 30 रख के आपको इस टाइप से इरेज करना है। तो जब आप इसको इरेज करोगे तो ये 3D लुक में चेंज हो जाएगा गाइस। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, इंसर्ट पिक्चर पे जाना है। इंसर्ट पिक्चर में जाने के बाद आपको लाइट का पीएनजी मिलेगा, इसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। देन डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आपको इसके ऊपर ही एडजस्ट कर देना है। तो इसके ऊपर जब आप एडजस्ट करोगे बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग लगेगा गाइस, देख सकते हो काफ़ी यूनिक लग रहा है। उसके बाद गाइस आपको फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे चले जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद अब गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से एक कपड़ा जो कपड़े का पीएनजी मिलेगा, ये वाला फ्लाई करने वाला, इसको गाइस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली इसको अपने फोटो पर एडजस्ट कर देना है। तो गाइस इसका मैं फुल पीएनजी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस इसको आपको मोशन में लाना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके लिए आपको सिंपली आपको इसको सेव कर लेना है। तो फोटो को सेव करने के बाद आपको अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। सिंपली इस बैकग्राउंड को ओपन करना है जो फोटो आपने सेव किया था। उसके बाद गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ब्लर टूल पे जाना है। लास्ट में मिलेगा आपको रेडियल ब्लर का ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं करना गाइस, आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको अपने फोटो को सेव कर लेना है। तो हम ड्रॉ टूल पर जाके इस फोटो को सेव कर लेते हैं सिंपली। उसके बाद गाइस आपको पिक्सल प्रो एप्लीकेशन ओपन करना है, इंसर्ट पिक्चर पे चले जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद आपको यही फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो फोटो भी आपने सेव किया था। उसके बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सारा इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद जहाँ पे भी गाइस जो कपड़ा हमने ऐड किया है वहीं पे ही आपको सिंपली इसको ड्रॉ करना है, जिससे वहीं पे ही मोशन ब्लर आएगा एंड काफ़ी यूनिक एंड अमेजिंग लगेगा। इस सिंपली गाइस आपको इसको ड्रॉ कर देना है। तो देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लुक आ रहा है इससे हमारे फोटो में। अब गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर से गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे जाना है। देन आपको यही कपड़े को क्रॉप कर लेना है यहाँ से इस साइड। उसके बाद गाइस आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको नीचे की साइड एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फिर गाइस आपने जो लाइट की पीएनजी सिलेक्ट की थी उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली गाइस ऊपर से इसको फ्लिप कर देना है। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ से नीचे इसको एडजस्ट करना है, ओपेसिटी को कम करके आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद गाइस आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। लास्ट में आपको मिलेगा पेंट मास्क सिलेक्शन का ऑप्शन, उस वाला ऑप्शन पे जाना है। देन गाइस आपको लाइट पे इसको ड्रॉ करना है एंड नीचे जो आपने कपड़ा एडजस्ट किया था उस पे भी गाइस आपको यहाँ से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है।
एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको बिलेट टूल पे आपको क्लिक कर देना है। तो बिलेट टूल पे क्लिक करने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देना है, तो ये बैकग्राउंड में जो भी पार्ट है वो ब्लर हो जाएगा, तभी ये रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा फोटो। उसके बाद गाइस आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन पे, लास्ट में आपको मिलेगा पेंट मास्क सिलेक्शन का ऑप्शन, आपको जो लाइट वाला पार्ट है उसको गाइस आपको इरेज करना है, एंड इसकी भी ब्लर की स्ट्रेंथ है वो गाइस आपको बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ब्लर वाले ऑप्शन पे जाके इसकी ओपेसिटी को गाइस आपको सिंपली बढ़ा लेना है। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद ये लाइट की पीएनजी है इसको सिलेक्ट करना है, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आपको अपने हेड के ऊपर लगाना है इसको। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम करके डन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है, ब्लेंड मोड पे इसको ऐड कर देना है जिससे ये लाइटन हो जाए एंड काफ़ी अमेजिंग लगेगा। उसके बाद गाइस आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे चले जाना है। इंसर्ट पिक्चर पे जाने के बाद ये वाले लाइट है इसको सिलेक्ट करके आपको गाइस आपको अपने लॉकेट की जगह लगाना है इसको। तो लॉकेट पे गाइस आपको सिंपली एडजस्ट करना है, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे जाकर आपको इसकी ब्लेंड मोड को ऐड कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी को फुल कर देना है। तो देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। अब अगर हम फोटो में रियलिस्टिक लुक डालेंगे उसके लिए गाइस आपको सिंपली एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपने जो फोटो इंपोर्ट किया था उसको सिंपली यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब हम करेंगे कलर ग्रेडिंग, उसके लिए जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन पे। सबसे पहले आपको लाइट एक्सपोजर को बढ़ाना है, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है फोटो में तो इसको हम कम करेंगे, एंड हाईलाइट है इसको भी गाइस आपको थोड़ा सा कम करना है। कम करने के बाद शेडो का ऑप्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है गाइस। उसके बाद व्हाइट का ऑप्शन है इसको भी गाइस आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, देन ब्लैक का ऑप्शन है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना है। तो देख सकते हो हमारी लाइट जो है वापस आ चुकी है फोटो में। अब हम कलर मिक्सर वाले कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना है, एंड टिंट का ऑप्शन है इसको कम करना है। कम करने के बाद आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन है इसको गाइस आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसको बढ़ाने के बाद आपको सैचुरेशन को इसको थोड़ा सा कम करना है। कम करने के बाद गाइस आपको कलर मिक्सर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्स्ट कलर की ह्यू को आपको 10 रखना है, एंड जितनी ह्यू को आप बढ़ाओ उतनी सैचुरेशन माइनस करनी है। देन आपको सेकंड कलर मिलेगा फेस का, तो इसके लिए आपको कलर वाला ह्यू वाला इसको बढ़ाना है, एंड सैचुरेशन माइनस करोगे तो फुल ब्लैक हो जाएगा वाइट, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको 10 के आसपास ही रखना है इसकी सैचुरेशन को। उसके बाद आपको देखना है फोटो में आपका कलर कौन सा है, तो ब्लू कलर है तो ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे हम। ब्लू कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी ह्यू को आपको माइनस की साइड ले जाना है। तो देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग कलर हमारा फोटो में आ रहा है, एंड सैचुरेशन को भी गाइस आपको माइनस करना है। देन आपको ये वाला ब्लू कलर है इसकी भी सैचुरेशन को माइनस कर देनी। उसके बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसकी शेडो जो है इसकी सैचुरेशन को गाइस आपको बढ़ाना है, देन आपने जो कलर पिक करना है ना वो ब्लू है तो ब्लू कलर पिक करना है, देन आपको सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है। कम करने के बाद अब गाइस ऊपर से आपको हाईलाइट चूज कर लेनी है। हाईलाइट को चूज करने के बाद शेडो को सैचुरेशन को बढ़ाना है, एंड ह्यू को आपको ब्लू कलर के आसपास ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ब्लू कलर आएगा हमारे फोटो में, काफ़ी रियलिस्टिक हमारा फोटो वहाँ से लगेगा। उसके बाद गाइस आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नीचे वाले टूल पे जाना है, टेक्सचर को गाइस आपको थोड़ा सा कम करना है, टेक्सचर वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारे फोटो में। उसके बाद हम क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, डेज को थोड़ा सा बढ़ाना है, देन आपको बिगिनेट को थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद गाइस आप ये फोटो डार्क हो जाएगा चारों तरफ से, काफ़ी अमेजिंग लगेगा। नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है, नीचे वाले टूल सेलेक्ट करने के बाद इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देना है। तो शार्पनिंग से होगा क्या गाइस, फोटो को जूम करके दिखा देता हूँ। शार्पनिंग से हमारे फोटो में डिटेल आ जाएगी, एंड देख सकते हो गाइस फोटो में बहुत अच्छा कलर लिया है हम। तो बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ क्या कलर आया है फोटो में। तो देख सकते हो गाइस बिफोर पहले ऐसा था हमारा फोटो, एंड देख सकते हो कलर ग्रेडिंग करने के बाद काफ़ी रियलिस्टिक हमारा फोटो लग रहा है। तो गाइस ये थी बैटमैन फोटो एडिटिंग, आपको कैसी लगी ये गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।